नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू आप लोगों के बीच में फिर एक बार आ चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों का पीछा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मेरा टेक का नाम ही है रेलवे ग्रुप डी की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। जब तक आप लोगों को जॉब ग्रुप डी में ना दिला लूँ, तब तक मैं कैसे छोड़ सकता हूँ आप लोगों के साथ, बताइए। तो आप ही लोग बताइए, छोड़ सकता हूँ नहीं छोड़ सकता हूँ ना। तो चलिए, आज की जो क्लास होगी ये जी आई एंड रीजनिंग की क्लास होगी, और इस क्लास में जो मेरा पहला क्लास का नाम जो है वो साइलोगिज्म है। क्या क्लास का नाम है? साइलोगिज्म। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं सोनू और आप सभी लोगों का एक बार फिर से माय हॉनेस्ट हेल्प में स्वागत करता हूँ। चलते हैं अपनी क्लास पे, जिस क्लास का नाम है साइलोगिज्म। तो साइलोगिज्म होता क्या है? क्या होता है कि बहुत लोग इस क्लास का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि इसमें क्वेश्चन बहुत भारी होता है, क्वेश्चन बनता नहीं है। तो दोस्तों, मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूंगा, पानी की तरह सॉल्व करूंगा, जो कि क्वेश्चन देखते ही आप लोग आंसर आराम से दे लीजिएगा। और साइलोगिज्म में चार प्रकार का स्टेटमेंट होता है, वो चार प्रकार का स्टेटमेंट क्या है उसको हम समझते हैं। अगर उस चार प्रकार जो स्टेटमेंट होता है उसका फिगर बनाना पड़ेगा। अगर उस फिगर, क्योंकि जो हमारे साइलोगिज्म का जो हमारा जो क्लास होगी वो पूरा फिगर पर आधारित है, और वो फिगर क्या है कि जो चार प्रकार का जो आपको साइलोगिज्म का आपका साइलोगिज्म का जो फिगर बताऊंगा, जो चार प्रकार का स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको उस फिगर को समझना पड़ेगा। अगर उस फिगर को आप समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो क्वेश्चन को आप देखते ही मतलब पानी की पानी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते ही आप 5 से 10 सेकंड में आंसर मार के वहां से आराम से निकल सकते हैं। तो चलते हैं कि वह चार प्रकार का स्टेटमेंट जो है उसकी फिगर क्या होती है। तो चलते हैं, स्टेटमेंट स्टेटमेंट साइलोगिज्म का जो स्टेटमेंट होता है वह चार प्रकार का होता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका ये ऑल का होता है, इसका हिंदी होता है आपका सभी। दूसरा आपका हो गया सम, इसका हिंदी होता है कुछ। तीसरा आपका हो गया नो, जिसका हिंदी होता है कोई नहीं। और चौथा सम नॉट, जिसका हिंदी होता है कुछ नहीं। दोस्तों, ये चार प्रकार जो स्टेटमेंट लिखा है इसी पर पूरा हमारे साइलोगिज्म का क्लास जो है पूरा डिपेंड है, उसी पर पूरा डिपेंड है। साइलोगिज्म का मतलब ही होता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन, और स्टेटमेंट और कंक्लूजन हम लोग फिगर से ही निकाल सकते हैं। अगर फिगर आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाइएगा, तो आप क्वेश्चन का जो पूछा जाएगा उसका आंसर आप नहीं दे पाइएगा, जिसके कारण आप एग्जाम में क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो चलते हैं चार प्रकार का जो स्टेटमेंट उसका फिगर समझते हैं। अगर आप लोग को अगर फिगर समझ में नहीं आता है, तो बार बार आपको यही बोलना चाहता हूँ, बोल रहा हूँ कि आप जो है कमेंट में आप हमको पूछिएगा, पूछ सकते हैं कि कहाँ समझ में नहीं आया, जिस फिगर को समझ में नहीं आया उस फिगर को आप पूछ सकते हैं। हम आपको बार बार 100 बार जितना बार पूछेगा उतना बार बताएंगे, जब आपको समझ में ना आ जाए। तो चलते हैं कि स्टेटमेंट जो चार प्रकार का, उस पहला स्टेटमेंट का मैं फिगर बताता हूँ आप लोगों को, और आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा उस फिगर को कि फिगर किस तरह बनता है। तो पहला यहाँ का स्टेटमेंट का जो पहला है वो है आपका ऑल, इसका हिंदी होता है सभी। आपको हर एग्जाम्पल के द्वारा आपको हर स्टेटमेंट को समझाऊंगा, हर फिगर को समझाऊंगा। आप लोग देखते हैं कि ऑल का मतलब होता है सभी। सभी आप लोग सभी जब सब सुन रहे हैं तो आप लोग को नहीं लगता कि सभी का मतलब पूरा, कोई भी जो काम होगा मतलब पूरा, मतलब 100% काम होगा आपका, तो मतलब 100% हो गया। ऑल का मतलब ये होता है क्या 100, याद रखें कि ऑल का मतलब सभी का मतलब। मान लीजिए कि आपके पास ये पेन है, आपको बोल दे कि ये पेन जो है पूरा आपका है, तो एक पेन आप ले लीजिएगा, पूरा का मतलब क्या हो गया, दोनों पेन मतलब टोटल, मतलब 100%, इसमें किसी का हकदार नहीं है। सभी का मतलब होता है कि एक इंसान का हकदार, किसी का इसमें हकदार नहीं हो सकता, मतलब पूरा। तो चलते इसको बनाते हैं, एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको अगर लिखा हुआ रहे कि सभी ये भी है, आप यहाँ एक की जगह में कुछ भी ले सकते हैं, आम कटहल इमली कुछ भी, घोड़ा हाथी बंदर कुछ भी, गाड़ी घोड़ा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लेके चलता हूँ ये और भी कोई लेके चलेगा, पूरा क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप लोग को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन जो मात्र 10 से 15 सेकंड में चुटकियों भर में आप लोग क्वेश्चन को देख के आप लोग वहां से निकल सकते हैं। बस ध्यान इतना ही देना है कि मैं जो फिगर बता रहा हूँ उसको आप लोग बारीकी से उसको समझें, बारीकी से उसको देखें, और जहां भी नहीं समझ में आया दोस्तों, बार बार आप लोग को एक ही बात कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट में जरूर पूछिए कि सर यहाँ समझ में ना आया, आप लोग कमेंट कीजिए जरूर। अगर कमेंट करते हैं और अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं जरूर बताऊंगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता कमेंट ही नहीं करते, अगर सो जाता तो आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों, बताओ चलेगा पता नहीं चलेगा ना। तो आप लोग कमेंट करना बहुत जरूरी है अगर समझ में नहीं आया तो, और वीडियो पसंद भी आए
फिर भी कमेंट कीजिए कि सर हमको वीडियो पसंद आया, क्योंकि कमेंट करने से जानते दोस्तों क्या होता है कि हमको एनर्जी मिलेगा, जब हमको एनर्जी मिलेगा तो पता नहीं क्या होगा। एक हमारा नाम ही है रेलवे ग्रुप डी की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, इसका फिगर कैसे बनेगा आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सभी ये क्या है बी है, मतलब सभी ये आप मान लीजिए कि सभी ये आप यहाँ पे देखें कि सभी ये आपका ये पूरा ये है, ये जो पूरा घर है मान लीजिए घर आपका है, ये घर जो पूरा किसका हिस्सा आपका ये का है, सभी ये क्या है बी है, आपका सभी ये क्या है बी है। थोड़ा फिगर गड़बड़ा गया, इसको अच्छा से आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि फिगर अगर नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा आपका, कि सभी ये जो आपका है बी है, मतलब आपका सभी ये क्या है बी है, मतलब पूरा ये जो है बी आपका इस तरह फिगर बन सकता। आप लोग के मन में आता होगा सर इसको फिगर तो इस तरह भी बना सकते हैं सर खुट्टे है। अरे भाई किसी तरह भी बना, हमको प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे सर तो क्या बोलिए सर हम इस तरह फिगर बना नहीं सकते हैं, भाई इतना आपके पास टाइम है बताइए, तो टाइम नहीं है ना, तो मैं क्यों ना इस सबको जो दिमाग फालतू में क्यों लगा, एक फिगर पे चलते हैं, मैं जो बता रहा हूँ उस फिगर को देखिए आराम से आप आंसर देके निकल सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा तब ना बताइए कि सर अभी फिगर से आंसर ही नहीं आ रहा है, तो मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊंगा इस समय, तो इस समय दिमाग ना लगाते अपने क्वेश्चन पे चलता अपने फिगर पे चलता, एक फिगर लेता हूँ हमको दुनिया से क्या मतलब कि 10 15 20 कितनों फिगर हो इससे हमको क्या मतलब है, तब लोग अपना एक फिगर पे चलता हूँ, हम लोग अपना एक फिगर पे चलता हूँ कि सभी ये क्या है बी है, ये आपका क्या हो गया, ये जो आपका जो यहाँ पे सभी ये बी है ये आपका क्या हो गया स्टेटमेंट हो गया, ये आपका स्टेटमेंट हो गया स्टेटी, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। चलिए इसको थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, क्योंकि अगर अच्छा से नहीं लिखेंगे तो फिर आप लोग नोट कैसे कीजिएगा कि सभी ये भी है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं S-T-A-T-E स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट हो गया सभी ये भी है। दोस्तों मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर इंग्लिश में भी लिखिए, तो मैं अगले वीडियो में जो है इंग्लिश से भी बताऊंगा, अभी मैं हिंदी से लिख रहा हूँ क्योंकि अधिकांश जो बच्चे हमारे हैं वो हिंदी मीडियम से है। अगर आप लोग को अगर समझ में जिसको नहीं आता होगा, जिन दोस्तों को अगर हिंदी समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो में कोशिश करूंगा इंग्लिश लिखने का, और मेरे हैंडराइटिंग पर मत जाइएगा, मेरे एक्सपीरियंस पर जाइए कि मैं क्वेश्चन को सिखाना क्या चाहता हूँ, अगर आप हम जो बता रहे हैं अगर आप लोग सीख रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, मेरे हैंडराइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको बार बार वही कहूंगा। तो चलता है कि सभी ये भी है आपका क्या हो गया स्टेटमेंट हो गया, अब इसका फिगर बनाइए सब कि सभी ये भी क्या आपको क्या बताएं कि सभी ये जो है बी है, यहाँ पे आपका सभी ये आपका क्या हो गया सभी ये जो है बी है, मतलब ये का जो पूरा घर है किसका है पूरा बी का है, मतलब सभी ये जो है बी है, ये आपका चित्र बन गया। अब इसका इसका जो निष्कर्ष है इसका जो ये स्टेटमेंट हो गया, अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं, आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिए कि इसका निष्कर्ष क्या क्या हो सकता है, मतलब कंक्लूजन इसका जो कंक्लूजन है निष्कर्ष कि सभी ये बी है, इसका पहला होगा सभी ये बी है, सभी ये बी है, दूसरा सभी बी सभी ये बी है, सभी ये बी है कुछ ये जो है बी है, मतलब ये का जो कुछ हिस्सा है बी भी होगा ना, यहाँ पर क्या बोला कि सभी ये जो है बी है सभी ये बी है, अब होता है कि ये का जो कुछ हिस्सा है बी भी होगा, जैसे जो ये पूरा जो घेरा है जो बी का हिस्सा घेरा है ना, तो ये तो जो बी का जो हिस्सा जो घेरा ये का भाग हो जाएगा, मतलब कुछ ये जो है कुछ ये जो है बी है। आप लोग नहीं समझे दोस्तों ये पॉइंट को, आप ध्यान से समझाते हैं, क्यों नहीं समझिएगा, नहीं समझिएगा सॉल्व बताऊंगा लेकिन समझ में आना चाहिए। चलिए फिर बताता हूँ, मान लेते हैं अगर चलिए आपको नहीं समझ में आया फिर समझाते हैं, देखिए जैसे जो मान यहाँ पे कलरफुल पेन यूज करता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे ये घेरा हुआ है आपका, यहाँ पे घेरा हुआ कि नहीं चलिए दोस्तों इसको एक बार फिर से समझा देते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम आती होगी तो समझा देते हैं। यहाँ पे बोला कि सभी ये बी है, क्या बोला सभी ये बी है, मतलब सभी ये क्या है बी है, सभी ये जो बी है मतलब बी के अंदर क्या है ये है, यहाँ पर बोल रहा है कि सभी ये जो बी है मतलब बी के अंदर ये है, तो फिगर इसको हम इस तरह बना लिए। अब पहला क्या लिखेगा कि सभी ये बी, यहाँ पे सभी ये बी तो यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पे तो लिखना ही यहाँ सभी ये बी है, उसके बाद क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि बी का कुछ हिस्सा ये घेरा हुआ है, इसको लिख सकते हैं कुछ ये बी है
कोई प्रॉब्लम दोस्तों? नहीं ना, चलिए फिर आगे देखिए क्या है। फिर आगे हम क्या करेंगे, बी है यहाँ पे, बी का हिस्सा तो कुछ, बी का भी तो कुछ हिस्सा ये घेरा हुआ है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कुछ बी, ये मतलब बी का जो हिस्सा, कुछ हिस्सा जो ये घेरा हुआ है, घेरा हुआ है कि नहीं दोस्तों सो बताओ, घेरा हुआ है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कुछ हिस्सा जो बी का है वो ये, मतलब कुछ बी क्या है आपका, ये है कुछ बी, कुछ बी जो है क्या है, ये है। अब कुछ बी जो है क्या है, ये है, ये आपका तीन कंक्लूजन, और देखिए कुछ निकल सकता है इसमें, कंक्लूजन का कोई निष्कर्ष निकल सकता है, बताइए। ये इस तरह हो सकता है सभी बी जो है ये, सभी बी ये हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसका जो चित्र है अलग ही बनेगा। और देखिए और कुछ हो सकता है, बताइए इसका कंक्लूजन और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो ये आपका तीन कंक्लूजन हो गया। ये मैं अभी फिगर समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग पेशेंस रखिए, ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक अगर आप समझ गए ना, आप लोग बिलीव कीजिए, आपको पेशेंस रखिए, क्वेश्चन देखते ही आप लोग आंसर दे दीजिएगा, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, आप लोग फिगर को समझिए आराम से। चलते हैं नेक्स्ट फिगर पर, इसको मिटाना चाहते आप लोग, अगर लिखना चाहते वीडियो रोक के आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी, अगर लिखते नहीं, अगर इसको लिख के आप लोग बारीक से इसको आप लोग स्टडी कीजिएगा ताकि समझ में आए, और अगर आप समझ में नहीं आता तो आप लोगों को फिर बोलता हूँ, एक ही बात बार बार बोलने से क्या फायदा, वही क्या करना है, कमेंट करना है और कुछ नहीं। चलते हैं अब अगला स्टेटमेंट पे, सम पे, इसको मिटाता हूँ पहले, उसके बाद क्योंकि जगह को कमी है मेरे पास। आपका दूसरा क्या हो गया, आपका दूसरा यहाँ पे जो है ये आपका हो गया सम, सम का ये आपका क्या हो गया, ये आपका सम का हो गया, जिसका हिंदी क्या होता है, कुछ, जिसका हिंदी होता है कुछ। चलिए इसको एग्जांपल से समझाते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे, जिसका हिंदी तो आपको पता है स्टेटमेंट का कथन होता है, तो स्टेटमेंट इसको लिख लिया यहाँ पे, अब इसको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं कुछ, ये आपको बोले थे कि हम ये और बी मान के लिखते हैं, आप लोग कुछ भी, आम, कटहल, इमली, घोड़ा, हाथी, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या माना हूँ ये और बी, इसी पे पूरा क्वेश्चन को पूरा सैलोगी का जो क्लास है पूरा इंडअप करूंगा, आप लोग पेशेंस रखिए बस, और आप लोग इसको फिगर को सिर्फ समझिए, फिगर जहाँ समझ गए तो फिर क्वेश्चन चुटकी भर में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कुछ ये जो है बी है, कुछ ये क्या है बी है, इसका फिगर कैसे बनेगा तो समझिए आप लोग। आप लोगों को क्या बताए थे इससे पहले, आप लोगों को सभी का बताया था, सभी का मतलब 100%, और जैसे यहाँ पे कुछ आ गया, कुछ का मतलब क्या हो गया, कुछ का मतलब आपको कुछ भी हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, 40% हो सकता है, समथिंग मतलब 99.999% तक हो सकता है आपका सम का मतलब, लेकिन 100% हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, मतलब 100% से थोड़ा सा कम को हम लोग क्या कहते हैं, सम कहते हैं, मतलब 100% को हम लोग सभी कहते हैं, ऑल कहते हैं, लेकिन सम का जो है 100% से थोड़ा मतलब 99.99 को हम लोग क्या कहते हैं, सम कहते हैं, कहते हैं कि नहीं। तो चलिए इसका फिगर कैसे बनता है देखते हैं हम, आप लोग ध्यान से देखिए कि कुछ ये जो है बी है, मान लीजिए इसका फिगर बना लीजिए, मतलब कुछ ये है, अब कुछ हिस्सा जो है ये का जो कुछ हिस्सा है क्या है, ये बी है, मतलब बी का जो कुछ हिस्सा क्या है ये, मतलब ये हिस्सा जो आपका हो गया, ये आपका हिस्सा जो है ये हिस्सा, ये का जो ये हिस्सा है क्या है बी है, मतलब कुछ ये जो है, कुछ ये का जो कुछ हिस्सा है क्या है बी है, मतलब ये हिस्सा जो है बी है, मतलब बी भी मिला हुआ है कुछ हिस्सा, बी का भी ये है, ये का कुछ जो भाग, मतलब ये का जो कुछ भाग है बी है, और इस चित्र से यार भी पता चल रहा है कि बी का जो कुछ भाग है क्या है, ये है कि नहीं। अब चलिए इसका हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, इसका निष्कर्ष क्या क्या हो सकता है, चलिए ध्यान से देखिएगा, कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन निकालते हैं, इसका कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है। चलिए आप लोग तो कुछ ये भी है, ये तो आराम से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है वो तो कंक्लूजन हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ आप लोग पैसा देखिए इसमें भी बताएं कंक्लूजन कैसे हो सकता है, आपको मन में आता होगा बहुत लोगों की सर स्टेटमेंट कंक्लूजन कैसे हो सकता है। चलिए पहले इसको हम नहीं, पहले इसको लिखने के बाद आपको समझाते हैं कैसे हो सकता है, पहले इसको समझा लेते हैं, आप लोग पेशेंस रखिएगा, पहले ये कमेंट करने लगे सर नहीं हो सकता नहीं हो सकता। दोस्तों इस वीडियो को पहले आप तो शुरू से अंत तक तो देखिए, मैं बता क्या रहा हूँ, पहले पेशेंस रखे तो देखिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, मतलब कुछ ये जो है बी है आपका, कुछ ये बी है, मतलब कुछ ये जो है बी है, दूसरा में क्या निकल सकता है इसका, कुछ बी, अब क्या बताएं कि ये जो पूरा है, ये पूरा है कि नहीं,
और बोला कुछ ये जो है मतलब ए का जो कुछ हिस्सा बी है, तो बी का तो भी कुछ इसका जो बी का जो भाग है ए में गिरा हुआ है, गिरा हुआ है कि नहीं है, तो बी का जो भी कुछ भाग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुछ बी जो है, कुछ बी ये है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए समझ में आया, फिर से आपको समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, 10 बार समझाएंगे 100 बार समझाएंगे नहीं समझ में आएगा तो चलिए इसको फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस फिगर को भी मिटा देंगे समझा के। यहाँ क्या बोला कि कुछ ये मान लीजिए ये का घर है आपका, क्या घर है ए का घर आपका है, कुछ ये जो है मतलब ये का जो कुछ हिस्सा है क्या है बी है, मतलब मान लीजिए कि बी की घर पूरा बी का है, तो ये का जो कुछ हिस्सा है वो बी में चला जाता है, मतलब ये जो हिस्सा आपका है यहाँ पे बी हो गया, बी का जो कुछ हिस्सा है क्या ये है, मतलब ये का जो कुछ हिस्सा है वो किसके घर में चला जाता है, बी के घर में चला जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसको हम कंक्लूजन में जब निष्कर्ष निकालेंगे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो दिया हुआ है कुछ ये बी है, ये तो दिया हुआ है, लेकिन बी का बाबू जो घर है ये तो ये में आ गया है ना, इस तरह कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि बी का जो कुछ भाग है, बी का जो कुछ भाग है ये हो सकता है कि नहीं, सो बताओ ये हो सकता नहीं, ये है कि नहीं, सो बताओ, मतलब बी का जो कुछ भाग है ये है। अब समझ गए, चलिए समझ गए, तो बहुत समझदार है आप लोग दोस्तों, तुरंत समझिएगा, बस आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो चलते हैं, यहाँ पे लिख दिए, इसके बाद देखिए और कुछ इसका कंक्लूजन कर सकता है, हम लिख सकते कि सभी ये बी है, नहीं लिख सकते क्योंकि सभी ये जो है कुछ ये का जो कुछ हिस्सा बी में चला गया, बी का कुछ हिस्सा ये में चला, तो इसका जो निष्कर्ष है कंक्लूजन है दो ही हो सकता है, और कुछ हो सकता है, हो सकता है बताइए, अगर हो सकता है तो बताइए, नहीं हो सकता है ना। चलिए आप लोग को समझ में आ गया, चलिए ठीक दोस्तों, बहुत बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग समझ रहे हैं तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब अगले स्टेटमेंट पे, क्वेश्चन पे नहीं अगले स्टेटमेंट पे चलता हूँ। अगले स्टेटमेंट क्या है कि नो का है प्रयोग, इसको मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लिए इसको, चलिए ठीक है लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिखा मैं तो घर में आके पढ़ाऊंगा, मैं टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, खाली कमेंट कीजिए, नहीं खाली कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ आप लोग के बीच में, सिर्फ कमेंट कीजिए, इसके बाद तो मैं तो है ये हूँ, क्योंकि मेरा नाम टेक का ही नाम है, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी हमारी जिम्मेदारी, तो आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं। चलते हैं तीसरे स्टेटमेंट पे, तीसरा स्टेटमेंट मेरा क्या है, नो नो इसका हिंदी क्या होता है, कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए इसका लिख लेते हैं, तो एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा, क्योंकि एग्जाम्पल का तो कमी है नहीं हम लोग के पास। स्टेटमेंट इसका लिख लेते हैं कि कोई ये जो है बी नहीं है, कोई ये जो है बी नहीं है, चलिए ठीक बात है, कोई ये भी नहीं, इसको हम भी कहा करें कोई ये भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो नहीं है, चलिए सर कंक्लूजन है, पहले इसका चित्र समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट कथन क्या है कि कोई ये जो है बी नहीं है, मतलब ये और बी में जो क्या बोल रहा है कि ये और बी में कोई संबंध नहीं है, बोल रहा है कि नहीं, देखो हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई ये भी नहीं, मतलब ये और बी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर है सब बता, नहीं है ना। चलिए इसको फिर इसका फिगर किस तरह बनेगा, दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं, तो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, सब आप लोग चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं, आप लोग जब लड़ाई करते हैं घर में दो दोस्तों से तो क्या बोलते हैं, ये मेरा कोई नहीं है, इसी तरह कि ये जो है बी नहीं है, कोई ये बी नहीं है, यहाँ तो इसी तरह वहां पर, यहाँ पर भी इसी तरह कि कोई ये जो है बी नहीं है, मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं है। चलिए इसका स्टेटमेंट, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका जो कंक्लूजन है क्या निकलता है कि कोई ये जो है बी नहीं है, पहला ही तो होगा, कोई ये बी नहीं है, होगा कि नहीं, ये तो होगा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, जब कोई ये बी नहीं है तो कोई बी तो भी ये नहीं होगा, होगा कि नहीं, सो बताओ होगा, चलिए लिख देता हूं, कोई बी ये नहीं है, लिख दिए। इसके बाद देखिए तो और कुछ हो सकता है, सोचते हैं, सोचने में क्या होता है, हम लोग को सोच तो बहुत दूर तक है, सोच ही तो सबसे बड़ी चीज है, कोई ये भी नहीं है, अगर हम बोलते हैं कि कुछ ये जो है भी नहीं है, हो सकता है नहीं, हो सकता है ना, अगर बोलते कुछ ये जो है भी नहीं है,
जब यहाँ पर बोल दिया कि कोई ये बी नहीं है, तो हम बोले कुछ ये जो है बी नहीं है, बी से मान लीजिए कि एक आम है जो पड़ा पूरा सड़ा हुआ है, अगर इसको हम बोल दें कि कुछ आम सड़ा हुआ है तो भी सही है, पूरा आम सड़ा हुआ तो भी सही है, क्योंकि सड़ा हुआ आम हम लोग खाते नहीं है, खा सकते हैं सो बताओ नहीं ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी कि कोई ये भी नहीं है, तो इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, कंक्लूजन ये भी हो सकता है, हो सकता नहीं कि ये भी कंक्लूजन होगा कि कुछ ये जो है बी नहीं है, कुछ ये बी नहीं है। यहाँ पे जब पहले ही बोल दिया है कि कोई ये बी नहीं है, तो कुछ ये भी कैसे हो सकता, नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ ये जो है बी नहीं है। इसके बाद चौथा, जब कोई ये बी नहीं, तो कोई बी तो ये नहीं होगा, मतलब कुछ बी ये नहीं होगा, कुछ बी जो है ये नहीं है। देखिए तो हो सकता होगा, और कुछ हो सकता है सो बताओ, अगर हो सकता तो बताओ, तुरंत कमेंट कीजिए, आपका नाम लेंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तुरंत आपका नाम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे दोस्त हैं जो क्वेश्चन को आंसर तुरंत दे दिया। कोई है नहीं है ना, चलिए आप देखते हैं इसको, और कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ कुछ हो ही नहीं सकता, चार ही होता होगा, ही होगा, पॉसिबल है ही नहीं। चलते हैं अगले स्टेटमेंट पे, ये मैं सिर्फ अभी आपको स्टेटमेंट का फिगर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, फिगर बता रहा हूँ, फिगर को समझिए, क्वेश्चन बोले ना चुटकी भर में देखते ही आपको सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग पेशेंस रखिए थोड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले स्टेटमेंट पे, चलिए स्टेटमेंट नंबर फोर क्या है, सम नोट, सॉरी यहाँ पे सम लिख दिए थे, यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पे सम नोट करना है, क्या करना है सम नोट, मतलब कुछ नहीं। अब चलते हैं चौथा स्टेटमेंट क्या है कि सम नोट, चलिए चौथा भी ले लेते हैं, सम नोट मतलब कुछ नहीं, इसका हिंदी क्या होता है कुछ नहीं। चलिए इसको इसका भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जब सबका एग्जांपल लेके समझ रहा था, इसका एग्जांपल क्यों छोड़ूंगा, क्योंकि इसको भी क्यों आप नाखुश कीजिएगा, इसको भी खुश रखिए स्टेटमेंट लेके, इसको भी खुश रखिए आप एग्जांपल लेके। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या लेते हैं कि कुछ ये जो है बी नहीं है, क्या बोल रहे हैं कि कुछ ये जो है बी नहीं है, इसको कैसे होगा, इसका क्या बोलते हैं, इसका फिगर बनाते हैं कि कुछ ए जो है बी नहीं, इसका फिगर कैसे बनेगा बताइए, इसका फिगर कैसे बने, कुछ ए जो है बी नहीं है, इसका फिगर दोस्तों याद रखिएगा कि इसका फिगर इस तरह, कुछ ए है अरे बी है, मतलब यहाँ पे जो ए का जो कुछ हिस्सा है ये क्या है बी नहीं है, मतलब ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी नहीं है। याद रखिएगा इसका जो कंक्लूजन होता है एक ही होता है, एक के अलावा कुछ नहीं होता है, ये ट्रिक है, आप इसको रट्टा मार लीजिएगा तो याद रख लीजिएगा, आज रट्टा क्या माना आधी रख लीजिएगा, जो निष्कर्ष होता है, जो स्टेटमेंट जो निष्कर्ष होता है इसका वही एक कंक्लूजन होता है, इसके अलावा कोई कंक्लूजन, मान लीजिए कुछ ये भी नहीं है तो इसका जो कंक्लूजन जो होगा एक ही होता है, और वह होता है जो निष्कर्ष दिया हुआ रहता है वही इसका कंक्लूजन होता है, और निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि कुछ ये जो है कुछ ये भी नहीं है, अगर इसके अलावा और कुछ लिखते हैं इसके नीचे तो वो सब गलत हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। अगर आपके पास चार स्टेटमेंट है, अगर आपको फिगर बनाना है बोले तो आप फिगर बना सकते हैं, इस तरह नहीं बना सकते हैं कि नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, और आगे समझ लेते हैं। अब जब ये चार स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा पूरा, जब इस पर आपको चार जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जब इस पर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवा दूंगा, उसके बाद आप अगला जो पढ़ेंगे वो संभावना पर आधारित देगा, संभावना पर आधारित देगा। उसके बाद संभावना जब पढ़ा देंगे, इसके बाद आपको आयतर का केस पढ़ना पड़ेगा, EI आयतर का केस पढ़ना पड़ेगा, आयतर का कुछ केस होता है उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको आयतर का केस पढ़ना पड़ेगा, मतलब हमारे पास अभी 4 से 5 महीना टाइम है, बोले ना रीजनिंग जीरो से स्टार्ट करेंगे, इतना स्टार्ट करेंगे, इतनी गहराई तक जाएंगे ना, क्या बोले कि एक क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइएगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, और मैं जो क्लास को बताता हूँ उसको आप ध्यान से पढ़िए, आप ध्यान से लीजिए, देखिए फिर उसके बाद क्या मजा आता है। चलते हैं, हाँ एक चीज और बताना चाहते हैं, आप लोग कोचिंग क्लास करते होंगे कहीं पे, चलिए इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद आराम से बताता हूँ, क्योंकि जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा,
क्योंकि आप लोग जब क्लास करते होंगे तो बोलते हैं सर लोग, अब कोई भी, तो जहां भी आप लोग क्लास करते हैं बोलते हैं कि स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, बोलता है कि नहीं, सो बताओ, बोलता है स्टेटमेंट जो है कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोग क्या दोस्तों सर से पूछे हैं कि क्यों नहीं हो सकता है? आप लोग सोचते हैं कि गुरुजी या गुरुजी कुछ भी बताए और बोले कि पेड़ पर से चढ़ कूद जाता, हम कूद जाएंगे, हमको क्या, गुरुजी या गुरुजी जो भी कहते हैं अच्छे कहते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग को पूछना चाहिए कि सर स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन क्यों नहीं हो सकता है, कभी पूछे नहीं, पूछे ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि स्टेटमेंट जो है कंक्लूजन हो सकता है, और जो लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता उसको लाओ मेरे सामने बात करवाओ, मैं उसको समझाऊंगा कैसे नहीं हो सकता है, वो समझाए मुझे कि क्यों नहीं हो सकता है, समझाओ तो पहले। लेकिन आप लोग पूछते नहीं, जो लिखा देते हैं वो लिखा देते हैं, जो क्वेश्चन बताया उसको बारीक से समझिए कि नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। चलिए आप लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं उसको क्यों नहीं हो सकता है। अभी हो सकता है तो किस केस में हो सकता है? मान लीजिए कि आपके पास एक घर है, बहुत बड़ा घर है, आपके पास बहुत बड़ा घर है, सबके पास घर रहता है, और आपके घर में फ्रिज है, और पता है कि जो स्टेटमेंट होता है पत्थर का लकीर होता है। स्टेटमेंट क्या होता है? पत्थर का लकीर होता है। स्टेटमेंट जो कहता है कि आज दिन है तो आज दिन है, स्टेटमेंट क्या होता है? पत्थर का लकीर होता है। होता है कि नहीं, सो बताओ, होता है। जब स्टेटमेंट पत्थर का लकीर होता है, जब आपके पास घर, आप बोल रहे कि मेरे पास घर है, मेरे घर में फ्रिज है, और अगर आपके अगर आपको दोस्त अगर आपके पास पूछ दे कि क्या आपके घर में फ्रिज, आप क्या बोलिएगा? कि नहीं है, नहीं है, बोलिएगा, सो बताइए, नहीं बोलिएगा ना। जब स्टेटमेंट, जब आपके घर में फ्रिज है, आपको दोस्त आके पूछे क्या सर आपके घर में फ्रिज है, तो आप क्या बोलिएगा? फ्रिज नहीं है, बोलिएगा, सो बताइए, बोलिएगा कि फ्रिज है, नहीं क्या बोलिएगा? फ्रिज नहीं है, नहीं है। तो उसी तरह दोस्तों अगर सो मेरा स्टेटमेंट अगर दिया हुआ रहे कि कुछ ये जो है, कुछ ए जो है बी है, और इस ये मेरा स्टेटमेंट है, और इसी को हम अगर कंक्लूजन में अगर लिख दें कि कुछ ये बी है, तो गलत हो सकता है, सो बताओ। जब स्टेटमेंट यहाँ पत्थर का लकीर है, जब आपके घर था, घर में आपके जब घर में फ्रिज, आपको दोस्त आकर पूछे कि क्या आपके घर में फ्रिज है, क्या बोलिएगा? फ्रिज नहीं, उसको गायब कर दीजिएगा, गायब नहीं कीजिएगा ना, क्योंकि जो स्टेटमेंट होता है पत्थर का लकीर होता है। तो उसी तरह यहाँ पे जब स्टेटमेंट जो है कुछ ये भी है, मतलब स्टेटमेंट जो भी होता है सही होता है, तो कंक्लूजन क्यों नहीं हो सकता, सो बताओ, हो सकता है कि नहीं, सो बताइए, हो सकता है। तो अब समझ में आया कि स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता, मतलब ये गलत है कि स्टेटमेंट जो है कंक्लूजन होता है, क्या होता है? हो सकता नहीं है, होता है। स्टेटमेंट जो है कंक्लूजन होता है, ये पॉइंट को आप डिनोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जांपल के तरफ समझ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर समझाऊंगा आप लोगों को अगले वीडियो में, कमेंट कीजिएगा तभी पता चलेगा कि समझ में नहीं आया। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन क्यों नहीं हो, कंक्लूजन होता है क्यों होता है, समझ में आया? लेकिन आप लोग तो समझ में आ गए कि चलो लिखा दें कि स्टेटमेंट जो होता है कंक्लूजन नहीं होता है। हाँ दोस्तों, स्टेटमेंट जो कंक्लूजन नहीं होता किस केस में होता, नहीं होता पता है आपको, समझाता हूं एग्जांपल के द्वारा। और संभावना के केस में नहीं होता है, अगर संभावना क्या होता है समझाते हैं, कहां नहीं होता सर। मान लीजिए आपके घर में फ्रिज है, वही घर का उदाहरण देते हैं कि आपका एक घर है, आपके घर में फ्रिज है, स्टेटमेंट हो गया कि मेरे घर में एक फ्रिज है, आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो होता है पत्थर का लकीर होता है, और कोई आकर पूछे क्या आपके घर में फ्रिज हो सकता है, अगर आपके आके दोस्त पूछे क्या आपके घर में फ्रिज हो सकता है, अगर ये कंक्लूजन अगर दिया होता वहां पे गलत हो सकता है, क्योंकि वो संभावना, उसको पता है कि मेरे घर में फ्रिज है, तो फिर संभावना क्यों लगा रहा है? उस अवस्था में, उस स्थिति में जो हमारे जो स्टेटमेंट होता है, और वही स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में दिया हुआ रहे संभावना केस में, तब गलत होता है, और अगर उसको संभावना केस में ना दिया हुआ रहे तो स्टेटमेंट जो मेरा है वो कंक्लूजन होता है, हो सकता नहीं, होता है। अब समझ में आ गया? चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। चलिए इसको मिटाता हूं, कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूं, उसको नोट कीजिए आप। चलिए पॉइंट को लिखाता हूं कि पॉइंट क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको लिख लीजिएगा।
कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी हमारी जिम्मेदारी है। अगर क्वेश्चन अगर छूटेगा तो फिर प्रॉब्लम हमको होगी, आपको नहीं होगी, क्योंकि मैं डेक का ही नाम रखा हूँ कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी हमारी जिम्मेदारी, और मैं आपका साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप ग्रुप डी में जॉब नहीं ले लेते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि आप लोग पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूँ, इस पॉइंट को आप देखते ही आप लोग उत्तर दे सकते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को। तो पहला पॉइंट क्या है कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन पॉजिटिव होता है। अगर आपका स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव दिया हुआ रहे और सो कंक्लूजन में अगर आपका नेगेटिव लगा हुआ रहे तो आप स्टेटमेंट को देखिएगा नहीं, डायरेक्ट आर पार कर दीजिएगा। क्या करना है? डायरेक्ट आर पार करना मतलब गलत करना है, पढ़ना नहीं है। तो हम यहाँ इसीलिए मैं पॉइंट को लिखा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को पॉइंट को नोट करने के लिए बोला कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होता है। चलिए अगले पॉइंट पे, यदि स्टेटमेंट निगेटिव हो तो कंक्लूजन निगेटिव होता है। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव दिया हुआ है, निगेटिव केस में दिया हुआ है, निगेटिव केस क्या हो गया आप लोग सुन रहे हैं, निगेटिव का मतलब क्या होता है नहीं पता है, आपको पता है नो और सम नॉट, मतलब नहीं, जिसमें नहीं लगा हुआ है आपका निगेटिव रे हो गया, और जिसमें नहीं लगा हुआ है वो आपका निगेटिव हो गया, जिसमें नहीं लगा हुआ है वो आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो आपका पॉजिटिव हो गया। अब मान लीजिए अगर पॉजिटिव में अगर नहीं ढूक गया, आर पार आंसर आपका कंक्लूजन क्या, आर पार मतलब गलत है। और यदि और दूसरा में क्या लिखा कि अगर स्टेटमेंट निगेटिव रहे और उसमें अगर कंक्लूजन पॉजिटिव डाल दे तो उसमें भी खलास मतलब गलत हो जाएगा कंक्लूजन आपका, समझ गए। और तीसरा पॉइंट जो मैं कुछ आपको एग्जांपल मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट लिखाऊंगा आगे चलकर, तो उसके बाद मैं लिखाऊंगा तीसरा पॉइंट, क्योंकि आपका दो पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक चार स्टेटमेंट बनाने के लिए आपका दो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट मैं आगे लिखाऊंगा, समझ गए। चलिए दो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके बाद मैं आप लोग को जो स्टेटमेंट बताऊंगा उस पर एग्जाम्पल समझाता हूँ कि एग्जाम्पल क्या होगा, और एग्जाम्पल समझाता हूँ क्या होगा, फिर चलते हैं इसको मिटाता हूँ। चलिए दोस्तों, जो आपको स्टेटमेंट बताएं चार, अब इस पर क्वेश्चन बनाता हूँ, पहले क्वेश्चन बनाने से पहले एग्जांपल्स के द्वारा और समझ लेता हूँ कि पहले इसका निष्कर्ष निकालने से समझता हूँ, इसके बाद तो क्वेश्चन बनाना तो आपके हाथ में इजी हो जाए, पहले निष्कर्ष निकालते हैं, और निष्कर्ष ही तो आपका आंसर हो गया, निष्कर्ष जहाँ निकालने से आपका वही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलते हैं, पहला स्टेटमेंट लेते हैं, आपका जो स्टेटमेंट बताए थे सभी का एग्जाम्पल लेते हैं, उसका स्टेटमेंट एग्जाम्पल लेते हैं, उसी को स्टेटमेंट कहते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट चलिए स्टेटमेंट क्या लेते हैं कि सभी ये बी है। दोस्तों आप लोग एक और याद रखिएगा, आप लोग जब फिगर बनाइए देखिएगा कि जो आप लोग को जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ रहेगा, जिसके बारे में दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कि ये बी है, फिर भी रिपीट हो रहा है, तो अगर इस तरह देखें तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसान होता है। और जो अगर मान लीजिए ये बी है, अगर यहाँ पे लिख देंगे कि सी जो है कुछ सभी सी ये है, उस कैसे बनाना आप लोग बताइए, पेशेंस रखिए, बोले मैंने सब चीज बताऊंगा, सिर्फ पेशेंस रखना, क्या रखना, पेशेंस रखना है। मैं हर तरह के क्वेश्चन दोस्तों आप लोग विश्वास करें, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, क्या बोले, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग पेशेंस तो रखिए। चलते हैं, आप लोग कुछ बोलना नहीं, बस तभी बोलना जब मेरा वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद बोलिएगा कि सर समझ में आया कि नहीं, आप लोग तो पेशेंस रखिए। एक क्लास जो आपके 4 से 5 क्लास होगी, और 4 से 5 क्लास बोले इस क्लास को पानी पानी कर देंगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग तो
पैसन रखे, बिलीव कीजिए, थोड़ा एक बार चलते हैं अब कैसे बनता है इसका। क्या बोले कि सभी ये बी है, सभी बी ये एफ का फिगर बनाते हैं कि सभी ये जो है, सभी ये क्या है, बी है, फिगर बना लिए, बना लिए कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, चलते। अब क्या है नीचे कि सभी बी ये है, सभी बी जो है, जब सभी ये बी है तो सभी बी बी के अंदर ये है ना, तो ये तो इससे भी रिलेशन, तब जब ये इससे रिलेशन, जब ये का रिलेशन बी है और जिसका रिलेशन बी से होगा, मान लीजिए चलिए ठीक है, मेरा और आपका रिलेशन जो भी है, मोहन मोहन, मेरा नाम सोनू है, दूसरे का नाम मोहन है, मेरा रिलेशन अगर मोहन से है और मोहन जिसका दोस्त है, मोहन का दोस्त मान लीजिए श्याम है, श्याम जो है मोहन दोस्त है, जब श्याम दोस्त है मोहन का, जब मोहन मेरा दोस्त है तो श्याम भी तो मेरा दोस्त होगा, होगा कि नहीं, मतलब तो रिलेशन होगा, होगा। उसी तरह यहाँ पे कि जब ये का मित्र बी है और बी यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों मित्र हैं, यहाँ पे भी दोनों मित्र हैं, मतलब ये जो है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हम गलत लिख दिए हैं कि सभी ये बी है, सभी बी जो है सी आपका क्या है, सी है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बोले हो जाता कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सुधार दिया उसको। इसी तरह जिस तरह आपको मित्र के द्वारा समझाया, इसी तरह मान लीजिए कि ये का मित्र जो बी है और जो बी का मित्र ये है, ये का मित्र बी है और जो बी का जो मित्र होगा वो तो मित्र सी का भी होगा ना, क्या कि बी का रिलेशन जब ए से है तो इसका भी रिलेशन कुछ ना कुछ उससे भी होगा, क्योंकि मित्र का रिलेशन मित्र से होता है। यहाँ पर भी बोला है कि ये जो है बी का मित्र है, मतलब सभी ये, मतलब ये जो है बी का मित्र है, मतलब सभी ये जो बी है, अब जो सभी बी क्या सी है, मतलब जो ए का जो मित्र है बी है और बी का जो यहाँ पे ए का मित्र जो बी है सी का, और बी का मित्र सी है, सी का मित्र जब सी बी का मित्र सी है तो सी का भी तो मित्र ये होगा, होगा कि नहीं, तो यहाँ पर इसी तरह कि सभी बी, तो सभी बी ये हो गया और सभी बी क्या सी है, तो आपको यहाँ पे सभी बी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, चलिए इसका कंक्लूजन निकालते हैं। चलिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ये हो गया फिगर आपका इस तरह यहाँ पे बनेगा, फिगर तो बता दिए। चलिए आप क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन निकालने में क्या था, कंक्लूजन तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि आप लोग को तो पता है फिगर। अब कंक्लूजन से क्या क्या हो सकता है, सो देखिए कि सभी ये बी हो सकता है आराम से, सभी ये बी है, सभी ये क्या है बी है, हो सकता है नहीं, सभी ये बी है, संभावना के इसमें दूसरा बताऊंगा, जब इसको खत्म कर लूंगा इसको दूसरा पार्ट में बताऊंगा, सभी ये बी है यहाँ पे तो लिखा हुआ कि सभी ये बी है, उसके बाद है सभी बी जो है सी, यहाँ पे तो लिखा हुआ देखिए सभी ये बी है, अब सभी ये जो है सी है कि सभी ये सी भी होगा, सभी ये सी है, सभी ये सी है, यहां तक समझ गए, इसके बाद अगला कंक्लूजन क्या होगा, निकालिए पॉइंट नंबर कर लेते हैं तीसरा, सभी ये बी है, सभी ये सी है, यहां तक हो गया, इसके बाद देखिए सभी बी सी होगा, ताकि पूरा सी जो है, सी का जो पूरा हिस्सा है बी तो घुसा हुआ है, सी के पूरा हिस्सा में, सी सी के पूरे घर में बी भी घुसा हुआ है, बी का भी हिस्सा हो जाएगा, यहां पर क्या लिखेंगे, सभी बी जो है सी है, मतलब सभी बी सी है, सी जैसे पूरा घर है, इसको बी घुस गया था, इसको हम लिख सकते हैं कि सभी बी जो है क्या है सी है। चलिए इसके बाद देखिए तो खत्म हो गया, इसके बाद बी पे खत्म हो गया, इसके बाद क्या करते हैं कि देखिए कुछ, अब यहां से चलते हैं सी पे चलते हैं, देखिए तो सी का जो सी का जो हिस्सा है, सभी सी जो है बी हो सकता है, सभी सी बी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, अब देखिए कुछ सी जो है बी है, कुछ सी, सी का जो कुछ हिस्सा जो है बी है, यहां पे लिखेंगे कुछ सी जो है बी है, समझ रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो बताइए फिर बताऊंगा, समझ रहे हैं आप लोग, पैसेंस रखे बहुत समझ में आएगा, बोले बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, थोड़ा पैसेंस रखे आप लोग, थोड़ा देखिए इसको पैसेंस, बस नहीं अब कुछ नहीं करना है, अभी पैसेंस रखना है, कुछ सी जो है वो क्या है आपका बी है, मतलब सी का जो हिस्सा है बी भी घुसा हुआ है, मतलब यहां बोला कि जो बी का मित्र सी है, सी का जो मित्र है वो बी है, जो सी का होगा वो बी का होगा, बी का जो होगा वो सी का होगा, यहाँ पर जो पूरा सी जो है बी घुसा हुआ, मतलब कुछ सी जो है बी है, कुछ सी जो है वो बी है, यहाँ पर कुछ सी क्या लिख दिया बी है, उसके बाद देखिए तो कुछ सी जो ये, मतलब सी के घर में ये घुसा हुआ है, तो कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ सी ये है, कुछ सी जो है ये, समझ गए, अब ऊपर भी लिखते नहीं हो रहा था, यहाँ पे लिखते हैं कुछ सी जो है ये हो गया, आप देखिए तो कुछ बी जो है आपका बी क्या है, बी
बी है कि नहीं, बी जो है देखिए बी का घर का क्या ये, तो कुछ बी ये होगा, कुछ बी ये है, क्या है कुछ बी ये है, समझ गए, कुछ बी जो है ये है, यहां तो समझ गए। अब देखिए ये जो है इसे घर में बी है, देखिए तो इसको लिखते हैं कुछ ये जो है बी है, कुछ ये का जो हिस्सा है बी के घर में घुसा हुआ, कुछ ये जो है बी है, नहीं लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, नहीं समझ में आया, नहीं आ रहा है समझाते, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए जो सी का जो घर है वो बी के घर में है कि नहीं, मतलब ए का जो कुछ हिस्सा है किसके घर में है, बी के घर में है, तो मतलब जो कुछ ये मतलब ए का जो कुछ हिस्सा जो है बी के घर में, तो मतलब कुछ ये क्या है बी है, मतलब ये बी के घर में ये है, तो ए का जो हिस्सा जो है कुछ ये जो है क्या हो जाएगा बी हो जाएगा कि नहीं, बी के घर में ये घुसा हुआ है कुछ ये बी है। अब देखिए कुछ ये सी भी होगा ना, क्योंकि ये जो है सी के घर में भी है, कुछ भाग में सी का जो पूरा भाग उसमें ये घुसा हुआ है, तो कुछ ये जो है सी होगा कि नहीं सो बताइए, कुछ ये सी, कुछ ये जो है सी है, समझ में आ गया। मैं पॉइंट लिखाऊंगा, इतना सोचना भी नहीं होगा, डांट डांट लिखिए निष्कर्ष, मैं थोड़ा थ्योरेटिकल बता रहा हूँ ताकि वो पूछे तो बता सके, उसको समझा सके आप कान पकड़ के, इस तरह होता है जिस तरह मैं बोलन के स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, इस तरह एग्जाम्पल समझाए, समझाए कि नहीं सो बताइए, तो उसी तरह आप भी समझा सकते हैं, इसलिए थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, पॉइंट कुछ लिखाऊंगा, जब पॉइंट नोट कीजिए देना, सोचने की दरकार नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिखिए और आंसर मारिए निकलिए, लिखने की दरकार भी नहीं पड़ेगा, 10-15 क्वेश्चन बनाओ इसलिए लिखने की दरकार नहीं पड़ेगा, स्टेटमेंट देखिए कंक्लूजन में टिक मारिए निकलिए, ठीक, सिर्फ रखने का है पेशेंस रखना बस और कुछ नहीं, चलते हैं। अब देखते हैं कि और कुछ हो सकता है, कंक्लूजन नहीं हो सकता है, कुछ है ही नहीं सर। अब आपको अब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह के सवाल में सो बताता हूं आपको, मान लिया आपको दे दिया हुआ स्टेटमेंट, अब आपको कंक्लूजन में आपको दे देगा चार पॉइंट, चार ऑप्शन देगा, आपका कितना ऑप्शन रहेगा, ओनली फोर ऑप्शन, चार ऑप्शन रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, कभी भी हो रहता है पांच से, इससे हो सकता है, लेकिन चार ऑप्शन आपका रहेगा कम से कम, तो आपका चार ऑप्शन रहेगा, इसमें पूछ देगा कि सभी ये बी नहीं है, सभी बी ये नहीं है, कुछ ये बी है, कुछ सी बी है। अब टिक मार लेना, सभी ये बी नहीं, आपको क्या बोला था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में कभी कंक्लूजन जो होता है नेगेटिव नहीं होता, इसको देखते आर पार कर देना, क्या करना आर पार करना, मतलब गलत करना है, काटना किसी नहीं है गलत करना है। इसके बाद दूसरा क्या है कि सभी बी जो है ये नहीं है, इसमें भी गलत करना है, क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव में कभी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता है। तीसरा में क्या कि कुछ ये जो है बी है, मतलब कुछ ये बी है, देखिए तो कुछ ये जो है बी है, सही आपका, कुछ सी बी है, कुछ सी जो है बी है, ये भी आपका सही है, तो आपका यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सही है, आंसर निकल के मार के निकल जाइए। दोस्तों बहुत क्लास बहुत लंबी हो गई है, हम समझ रहे हैं, आप लोग अगर और क्लास लंबी लूंगा तो आप लोगों को थोड़ा क्या बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं आएगा इस वीडियो पे, तो आज इस क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं इस क्लास में इतना मेहनत किया, अगर आप लोगों को अच्छा लगे क्लास को तो लाइक जरूर कीजिएगा, और क्या अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर भी कमेंट कीजिएगा क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि हम उसको इम्प्रूवमेंट कर सकें। और कोई अगर इस क्लास को लेकर आप लोग को दिक्कत और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताने के लिए हमेशा 2400 घंटा अवेलेबल हूँ आप लोगों के बीच में, बस आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी 4 से 5 महीना टाइम बचा हुआ है। और बताना चाहता हूँ कि वीडियो को अगर शेयर कर दीजिएगा तो आप लोगों को और फायदा होगा, हमको भी फायदा, क्योंकि लड़के जो नए नए हैं वो सीख सकते हैं, और नए लड़के इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद आपका घंटा आएगा, यानी घंटी आएगा, उसको दबाना है, क्योंकि दबाने इसलिए कहता हूँ क्योंकि दबाने के बाद आपको जब मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपको 1 से 1.5 घंटा पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, सो थैंक यू।